I'm joined by the president of Indian Hockey Federation, Dilip Tirke, to talk more about the match that has already happened against Spain and what is coming up next, whether India can reclaim their glory days. Thank you very much, Dilip ji, for joining me on the broadcast. What is your take on the performance of the Indian team in the first match against Spain? Of course, they are ranked very closely, number 6 and number 8, but Spain has been a tricky opposition in the past. Thank you so much. पहला मैच का जो प्रदर्शन रहा, 3 point win first match काफी important होता है और खुश हैं कि 3 points टीम इंडिया ने जीता है, लेकिन हमें और opportunity मिला था, हमें और भी better हम कर सकते थे. मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा अब चांसेस था जो कि गोल में बदल सकते थे, वो सब मिस हुआ स्पेन के साथ, क्योंकि क्योंकि लीग स्टेज में, लीग मैच में एक एक अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शॉर्ट कॉर्नर में भी हमें गोल मिल नहीं पाया जिस हिसाब से हरमनप्रीत परफॉर्म करते आ रहा है. कल का मैच में शायद गोल कर नहीं पाया, इवन हमारे मैं कहूंगा प्लेंटी स्ट्रोक भी हम मिस किया, मैं कहूंगा बैड डे रहा उनके लिए. लेकिन हाँ, 3 point काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए. A good beginning is always key to a tournament. Now, Dilip, coach Graham Reid said that after Tokyo Olympics, this was the best defensive performance of the Indian team. Do you feel the same? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिफेंस ने अच्छे हॉकी खेली है, तालमेल अच्छा रहे. आज डिफेंडर हिसाब से देखेंगे तो तालमेल अच्छा रहा है और बेटर खेले हैं, और टीम में कॉन्फिडेंस है, और इस टीम में मेरे ख्याल से ओलंपिक्स टीम से अधिकतर मेंबर्स इस टीम में है. एक्सपीरियंस साइड है, कुछ यंग खिलाड़ी हैं, बेहतरीन साइड है. डिफेंस का परफॉर्मेंस मैं कहूंगा अच्छा रहा. What do you think will be the biggest challenge for this Indian team in the World Cup? इंग्लैंड भी एक टॉप टीम में शामिल है, इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए. दोनों टीम मैं कहूंगा बराबर की है, और हमें हमारा जो डायरेक्ट फ्लिकर है कई मैचों से अच्छे, कई टूर्नामेंट से अच्छे करते आ रहे हैं, उसमें उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटी लानी होगी, शॉर्ट कॉर्नर बनानी होगी, और मैं चाहूँ कि हरमनप्रीत का परफॉर्मेंस बेटर हो, डायरेक्टली ने गोल करे, ताकि टीम को आगे बढ़ने में स्मूथली आगे बढ़ पाए. दिलीप, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम very confident, formidable opposition. They also beat India in the final of the Commonwealth Games. देखिए आगे तो slowly slowly जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल, सब सब टीमें वर्ल्ड कप में प्रॉपर प्रिपेयर करके आते हैं, और अच्छा मैच रहता है. देखिए बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट में जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिला उसको उसका बेनिफिट लेना है, जो मिस कर गया मेरे ख्याल से उसको नुकसान होता है. तो यहाँ पर भी वही, कई कई सारे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वर्ल्ड में, सब टॉप टीम्स हैं, जिसका जिसका डायरेक्ट फिकल चला वो टीम चलेगा, मैं समझता हूँ मॉडर्न हॉकी में. सो बेल्जियम के पास अच्छा डायरेक्ट फिकर है, और भी टीम के पास है, हमारी इंडिया के पास भी है, तो हम भी डेफिनेटली टफ होगा फ्यूचर में, क्वार्टर फाइनल से हर एक मैच टफ हो जाएगा. Well, Dilip Tirke is saying the team whose drag flicker works is finally going to win the contest. But do you think that India's glory days are back after their performance in Tokyo and then in Birmingham, a bronze medal followed by a silver medal?
मैं कहूंगा कि ग्लोरी वापस आ गया, लोग पसंद कर रहे हैं हॉकी को, हॉकी देखना पसंद कर रहे हैं, हॉकी स्टेडियम में बैठना पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और साथ साथ आप तो देख ही रहे हैं, काफी सालों के बाद जो ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीत के आए हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा ग्लोरी लौट के आया है। हाँ, फ्यूचर में हमें मेंटेन करने की जरूरत है। पर मॉडर्न हॉकी में आप देख लीजिए कि हाँ, बेल्जियम को, बेल्जियम एक एक साइड है, लास्ट वर्ल्ड कप भी बेल्जियम जीता, ओलंपिक्स भी जीता, और मुझे लगता है उनके पास फ्लिकर है, बेहतरीन फ्लिकर है। और हमें भी फ्यूचर मैच में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए हमें मेंटेन करने के बेटर खेलना होगा। Dilip, what will it take for Team India to deliver consistent performance and not just that, but you know, get more and more people to the turnstiles of hockey? देखिए, हम जितने भी दर्शक हैं, या मैं भी आज हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हिसाब से भी, मैं भी चाहूं कि हर एक मैच अच्छा खेलें, और हम सब चाहते हैं कि टीम, हर एक प्लेयर अच्छा खेलें, टीम अच्छा खेलें। सो ग्लोरी को वापस लेकर मैच को जीतना पड़ेगा, जीतना होगा, लेकिन सिचुएशन हम समझते हैं, वर्ल्ड हॉकी और कई दिशा में चली गई है। जो टीम मैच के डे में परफॉर्म करेगा वही टीम आगे बढ़ेगी।